ब्लेयर की सबसे बड़ी गलती। 12 साल बाद हुआ गलती का एहसास। आईएसआईएस के आतंक के लिए है जिम्मेदार। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इस्लामिक स्टेट के बढ़ते असर के लिए इराक वॉर को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पहली बार इराक वॉर को लेकर मुआफी भी मांगी है। दरअसल जिस गलती का एहसास होने में ब्लेयर को 12 साल लग गए, वो गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। ब्लेयर की ये वो गलती थी जो शायद आज दुनिया का सिरदर्द और लोगों के लिए खौफ का कारण बन गई है। टोनी ब्लेयर ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि सद्दाम को सत्ता से उखाड़ फेंकने वालों में शामिल देशों को इराक के मौजूदा हालात के लिए कुछ जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। ब्लेयर ने कहा कि इराक युद्ध के कारण ही इस्लामिक स्टेट जैसा आतंकी संगठन हिंसा फैला रहा है। ब्लेयर ने कहा, मैं अपने फैसलों और बर्ताव के लिए माफी मांगता हूं, जिसके चलते इराक नरक बन गया। कहीं न कहीं ये सच है कि इसी युद्ध के कारण आईएसआईएस का उदय हुआ। गौर देने वाली बात ये है कि अब तक ब्लेयर ऐसी माफी से इनकार करते रहे हैं। इससे पहले बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि अगर इराक में सामूहिक विनाश के हथियार ना भी होते तो भी मैं इराक पर हमले का समर्थन करता। तब उन्होंने कहा था कि 2003 में इराक पर हमला सही ठहराने के लिए वो कोई और वाजिब वजह ढूंढ लेते। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हटाना सही फैसला था। सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए और लोगों को उनके शासन के खतरे से वाकिफ कराने के लिए कुछ और तर्कों का सहारा लेना पड़ता। हालांकि ब्लेयर ने इराक पर हमले का बचाव करते हुए ये भी कहा कि सद्दाम को अगर सत्ता से बेदखल नहीं किया गया होता तो वहां सीरिया जैसे हालात होते। ब्लेयर ऐसे इकलौते नेता नहीं है जो इराक युद्ध को अपनी बड़ी गलती के तौर पर देख रही है। इससे पहले भी कभी खुद को दुनिया का दरोगा मानने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी अपना कार्यकाल खत्म होने के दौरान इस बात को माना था कि इराक वॉर उनके कार्यकाल की बड़ी गलतियों में से एक है।